रेल मंत्री पीयूष गोयल की माने तो अब रेल यात्रियों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगस्त से 90% ट्रेनें समय पर पहुंचेगी। रेल मंत्री ने 2 महीनों के भीतर देश भर में ट्रेनों के समय पालन में सुधार लाने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में ट्रेनों का समय पालन 65% पहुँच गया है, कई जोन में ये 45% तक है। डॉक्टर के पास जाओ तो जब तक बीमारी का अंदाज पूरा नहीं हो तो बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं डॉक्टर। इसी अंदाज में गत कुछ समय में फोकस करके हमने हर एक ट्रेन की पंक्चुअलिटी सही माने में क्या है उसको डेटा लॉगर्स के थ्रू लॉग करने से एक पूरे भारतीय रेल की पंक्चुअलिटी का चित्र देश के सामने रखा। उसमें कमी भी दिखी क्योंकि जब ईमानदार डेटा आया तो उसमें कुछ कमियां सामने आई। मैंने स्वयं गत 7-8 दिनों में 7 जोन्स का रिव्यू पंक्चुअलिटी, क्लेनलीनेस और केटरिंग के ऊपर, मात्र ये 3 विषयों पे किया है। इसके अलावा रेल मंत्री ने इलाहाबाद से मुगलसराय के बीच 3री लाइन बिछाने के कार्य को भी मंजूरी दी है। गौरतलब है कि उक्त सेक्शन पर अत्यधिक ट्रेनों के दबाव के कारण यात्री ट्रेनें लेट हो जाती हैं। टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन देश भर में है, कुछ जोन्स ने उसको कम करने में सफलता पाई है। मेंबर इंजीनियरिंग वगैरह इस पे और फोकस अटेंशन देके टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस को भी कम करेंगे। पैसेंजर्स को मेरा दरख्वास्त है कि अगर वो अपना मोबाइल नंबर बुकिंग के समय दें तो हम SMS द्वारा जो टाइम टेबल में चेंज हो रही है या अगर गाड़ी डिले हो रही है वो सूचना हम SMS द्वारा पैसेंजर्स को पहले से दे पाएंगे। सफाई में बहुत अधिक सुधार के लिए सबने अपना कमिटमेंट दिया है मुझे। 2 अक्टूबर से हम गांधी जी के 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उसमें भारतीय रेल भी एक अहम भूमिका निभाएगा और सभी स्टेशन और ट्रेनों में स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके लिए अभी से हमने काम को और तेज गति दी। इसके अलावा रेल मंत्री ने सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस किया। रेल मंत्री ने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, वहीं जहां जहां लाइन व्यस्त है वहां नई लाइन डाली जाएगी, एलिवेटेड और रिंग लाइन भी डाली जाएगी। पैसेंजर अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो उन्हें हर देरी का या फिर सभी तरह की जानकारी दे दी जाएगी। कुल मिलाकर रेल मंत्री की बातों पर अगर भरोसा करें तो आने वाले वक्त में रेल यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी रेलों का लेट होना आने वाले वक्त में खत्म होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन रेल यात्रियों के लिए ये अच्छे दिन ही होंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।